हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और पाइथन जीयूआई एप्लीकेशंस बनाना हम सीखना स्टार्ट कर चुके हैं। पहला वीडियो लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो प्रोग्राम मैंने आपको बनाना बताया था उसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये फाइल मैंने बनाई थी, इसको मैंने नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन किया। हमने यूज़ किया था टीक इंटर का, टीके इंटरफेस का, ठीक है। तो ठीक है, ये टीक इंटर हम इसको बोलते हैं, टीके इंटरफेस। तो जो टीक इंटर होता है वो पहले से इनबिल्ड आता है अपने इंटरप्रिटर के साथ। जो पाइथन का इंटरप्रिटर हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसके अलावा हमें कुछ अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से आपको ये मिलता है, ठीक है। तो हमने किया क्या था, मैंने बताया था कि टीक इंटर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट टीक इंटर इज़ अ स्टैंडर्ड वन और पहले से मिलता है, शिप्ड होके आता है पहले से इंटरप्रिटर के साथ। तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन में हमने लिखा है, हमने पैकेज को इंपोर्ट करवाया है पहले, फिर हमने एक रूट विंडो तैयार की, पेरेंट विंडो, ठीक है, कंटेनर तैयार किया जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स को रखेंगे। तो हमने एक कंपोनेंट बनाया, एक विजेट बनाया, लेबल बनाया, लेबल का हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया, ठीक है। उसमें हमने बता दिया कि ये जो लेबल है वो किस विंडो पे शो होना चाहिए, तो पेरेंट विंडो पे उसको हमें डिस्प्ले करवाना था। ये मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ आपको इसका, ठीक है। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, ओपन कमांड विंडो हियर, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा प्रोग्राम, फाइल का नाम था GUI1.py। तो इससे हमारे पास एक विंडो आ रही थी, ठीक है, रन मैंने कर दिया है। बहुत ही जल्दी एक विंडो आपके सामने आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है मेरा ये। ओके, ये विंडो आ चुकी है ऊपर, ठीक है, ये विंडो आ गई। अब ये स्क्रीन का साइज अभी बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। अब ये लेबल हमने बनाया था, तो लेबल हमने बता दिया, पेरेंट विंडो बता दिया किस विंडो पे आना चाहिए। तो ये हमारी जो पेरेंट विंडो थी, एक कंटेनर है ये, जिसमें ये कुछ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है। इसके अंदर हमारा ये लेबल आप देख रहे हैं, लेबल पे लिखा हुआ है इन्जॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी, जो कि हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में असाइन किया हुआ है। अब इस लेबल को यहाँ पे शो करने के लिए, इस कंटेनर के अंदर कहीं पे सेट करने के लिए हमने पैक फंक्शन का यूज़ किया है, पैक मेथड का। पैक के अलावा हम ग्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रिड के अलावा हम एक और होता है पैक, ग्रिड और प्लेस, है ना। तो आज मैं आपको ग्रिड का यूज़ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेबल वन डॉट पैक, तो ये लेबल यहाँ पे आ जाएगा, पैक नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। पैक के अलावा आप ग्रिड या प्लेस यूज़ कर सकते हैं। जब मल्टीपल कंट्रोल्स रहेंगे तो ग्रिड का यूज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी एक ही कंट्रोल था। फिर लास्ट में आप क्या लिखते हो, एक लूप चलाते हो, इनफाइनाइट लूप, ताकि ये विंडो यहाँ पे रुकी रहे जब तक आप क्लोज पे क्लिक ना करो, इस विंडो के साथ इंटरेक्शन आपका होता रहे, ठीक है। अब मैंने इस विंडो को तो बंद कर दिया, इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ और एक दूसरी फाइल बनाता हूँ जिसमें इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। तो मैंने एक और फाइल बनाई, इसका नाम मैंने रख दिया GUI2। सेकंड प्रोग्राम हम देखते हैं और इसी को हम थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। तो ये सब वही लिखा मैंने, एक पेरेंट विंडो बनाई, नाम इसका कुछ भी रख सकते हो आप, पेरेंट विंडो बनाई। पेरेंट विंडो में आपने एक लेबल बनाया था, ठीक है, और इस लेबल को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया था।
अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, दोबारा से मैं रन करता हूँ, अब मैंने इसका फाइल का नाम रखा है GUI 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 2, GUI 2.py, तो ये हमारा आउटपुट विंडो आ गया। अब ये जो आउटपुट विंडो आया है ये बहुत ही छोटा है, हमें इसको बड़ा करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब मैं इसको रन करूँ तभी ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा आए अपने आप, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और एक तो ये लेबल पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो भी बहुत छोटा लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, दो चीज़ें करता हूँ, एक तो मैं लेबल, वो जो विंडो आ रही है उसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ सबसे पहले। तो जो पेरेंट विंडो मैंने बनाई है उसका मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो ये पेरेंट विंडो का नाम मैंने रखा है पेरेंट विंडो, ठीक है। जो रूट विंडो है, मेन विंडो, उसका नाम मैंने पेरेंट विंडो रखा है। और उसका टाइटल भी आप सेट कर सकते हो, टाइटल भी मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं साइज बताता हूँ, ज्योमेट्री, ठीक है। उसकी जो विड्थ और हाइट है वो अपन सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 400, और फिर आप एक्स का जो साइन होता है 400 लिखा, फिर एक्स, है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स का जो सिंबल होता है ना, एक्स जो आपका अल्फ़ाबेट होता है वो आप लिखोगे 400x, जितना भी साइज रखना हो, 400, 500, 600, 400 में दे दिया और 600 दे दिया। इसको इतना चला के देखता हूँ, छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अभी ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी आ रही है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ, हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ। तो इसकी विड्थ भी मैं बढ़ा देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 600, और ये मैं रख देता हूँ, इसको 500 कर देता हूँ, विड्थ 600, हाइट 500, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 600 और 500 का हमारे पास एक कंटेनर विंडो, उसके अंदर लिखा, उसके अंदर एक लेबल है जिसपे लिखा हुआ है इंजॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी, ठीक है। बट ये लेबल में जो लिखा हुआ है बहुत छोटा दिख रहा है, तो इस लेबल को मैं थोड़ा बेहतर बनाता हूँ, या एक और लेबल बना देता हूँ मैं आपको, और अच्छे समझ में आएगा। इसको मैंने कॉपी कर दिया, ये जो लेबल बनाया था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेबल बना के मैंने पैक किया था, अब ये उसी को मैंने कॉपी कर दिया, लेबल 1 था और ये लेबल 2 मैंने बना दिया, ठीक है। उसको मैंने पैक किया, ठीक है, सेव किया। और फिर से अभी तो मैंने वैसा का वैसा ही इसको रखा है, सेम, कोई चेंज नहीं किया। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, तो एक और लेबल आ जाएगा, दोनों सेम रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है, एक के नीचे एक आ गई है, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पे क्या यूज़ कर लेता हूँ, पैक की जगह मैं ग्रिड का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। पहले वाले में मैंने ग्रिड लगाया, पैक के अलावा आप ग्रिड भी यूज़ कर सकते हो। ग्रिड क्या होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉलम और रो का कंसेप्ट यूज़ होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम और रो होता है वो 0 0 होता है, पहला रो मतलब 0, पहला कॉलम मतलब 0, ठीक है, 0 रो 0 कॉलम होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब ये दोनों में मैंने ग्रिड यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखेगा आपको मेरे ख्याल से। इसको मैं रन करता हूँ, तो ठीक है, ये इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग ये मैं चाहता हूँ आजू बाजू में इनको दिखाना चाहता हूँ, एक तरफ ये, उसके आगे ये। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉलम और रो यूज़ कर लेता हूँ। पहला वाला जो लेबल है उस पर मैंने कॉलम सेट कर दिया, मैंने कहा कॉलम 0, कॉलम 0 मतलब पहला कॉलम, ठीक है, 0th कॉलम, और पहली रो मतलब 0th रो। और दूसरा जो अपना लेबल है वो उसी के साइड में मैं चाहता हूँ, है ना, एक के नीचे एक ना आए, एक के साइड में एक आ जाए। तो इसमें मैंने कॉलम रख दिया 1, और रो सेम रो के अंदर मतलब 0th रो में दोनों रहेंगे, लेकिन अलग अलग कॉलम में रहेंगे, एक 0th कॉलम में, एक 1 कॉलम में। इसको बंद करके मैंने दोबारा चलाया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये एक के पहले पहला लेबल आया, उसके जस्ट बाद उसी से लगा हुआ दूसरा लेबल आ गया उसी के राइट हैंड साइड पे।
ठीक है। अब सेकंड वाले लेबल में मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, उसका फॉन्ट का साइज बड़ा आए। उस पर मैं कुछ दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों में सेम कंटेंट ना लिखते हुए। इस पर मैंने लिखा इंजॉय प्रोग्रामिंग विद पंकज पंजवानी, यहाँ मैंने लिखा वाई सी टी अकेडमी, एट वाई सी टी अकेडमी, ठीक है। इतना मैंने लिखा, और इतना लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसका फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और कुछ और पैरामीटर मैंने यूज़ कर लिए, जैसे कि मैंने कॉमा सिंबल के बाद यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, ठीक है। फॉन्ट इक्वल टू, ठीक है, फॉन्ट इक्वल टू के बाद अब फॉन्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, फॉन्ट का स्टाइल भी होता है, फॉन्ट का साइज़ भी होता है, तो जैसे मैंने फॉन्ट का स्टाइल भी इसमें चेंज कर दिया, मैं चाहता हूँ ये एरियल फॉन्ट इसमें आए, ठीक है, एरियल बोल्ड कर दिया मैंने इसको, एरियल, अलग अलग फॉन्ट होते हैं आपको शायद पता होगा, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल अल्जीरियन, एरियल बोल्ड, ठीक है, कोरियर, कोरियर न्यू, ठीक है, नोटपैड में आपने देखे होंगे, ठीक है, तो ये एरियल बोल्ड अभी मैंने यूज़ कर लिया, और साइज मैंने इसका रख दिया 50, ठीक है, जो फॉन्ट लेवल पे आएगा वो 50 साइज का मैं चाहता हूँ दिखाई दे, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से रन किया, ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये एट वाई सी टी अकेडमी का फॉन्ट काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, पहले वाले लेबल का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो पहले वाले लेबल का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो पहले लेबल का एक तो साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है, छोटा ही रहने दो उसको, एक छोटा एक बड़ा कर देते हैं, और लेबल वन का मैं अब बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो लेबल का अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी है बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू मैंने रख दिया ब्लैक कर दिया, बैकग्राउंड का कलर मुझे चाहिए ब्लैक, और फिर कॉमा लगाया और इसका फोरग्राउंड का कलर चेंज करना है। फोरग्राउंड कलर क्या होता है, जो टेक्स्ट का कलर होता है, मतलब जो लेबल पे लिखा हुआ आएगा एंजॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी, उसका फोरग्राउंड कलर जो रहेगा, जो शब्दों का कलर रहेगा, जो टेक्स्ट रहेगा उसका जो कलर रहेगा फॉन्ट का, वो मैंने कर दिया वाइट कर देते हैं, ब्लैक पे वाइट क्लियर दिखाई देगा। अब मैंने रन किया इसका, इसको रन किया तो आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला लेबल है, अब शायद ये विजिबल होगा आपको, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट फोरग्राउंड, फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट आ रहा है, ठीक है। ये सब हमने देखा, लेबल के बारे में जाना, ग्रिड के बारे में जाना, और ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ अगर, ठीक है, ये तो क्लियर है। मैं टाइटल चेंज करने वाला था, मतलब ये जो हमारा ये मेन विंडो आ रही है, पेरेंट विंडो, उसमें आप देख रहे हैं ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ है टी के, लिखा हुआ है टी के, बट मुझे टी के नहीं लिखना है, मुझे पी के लिखना है, ठीक है, मुझे उसमें कुछ और लिखना है, तो टी के की जगह मुझे पी के लिखना है वहाँ पे, तो टी के नहीं लिखना है मुझे, तो कुछ और लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो उस विंडो का नाम है उसके बाद मैं डॉट लगा के टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है, टाइटल, ठीक है, टाइटल में क्या लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो भी आपको टाइटल देना हो, फर्स्ट GUI जो लिखना हो, एनीथिंग, ठीक है, वो आपने लिख दिया, और उसके बाद आपने इसको रन किया, ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपर टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइटल भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक्स जाने, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नया देखते हैं, कुछ नया समझते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।